इधर से ही हमको तो लग रहा है ज़्यादा दूर होगा दे, वो कहाँ जा रहा, उधर जा रहा। डैम में कुछ देरी समय बिताने के बाद हम लोग को नज़र आ गया गोला रोड जो कि ओरमांझी में निकलती है। अब हम लोग को भी मन किया कि घर हम लोग ओरमांझी होते हुए जाएंगे, क्योंकि इस एरिया में हम लोग नए थे इसलिए मज़ा भी आ रहा था। आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिए। फिर पूछते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते चले गए। यहाँ पर हम लोग आ गए, इधर से ये गोला जाते हैं, ये वाला रास्ता है ना गोला। दाहिने साइड में रोड, ये भी और मांझी जाती है, पुराना रोड है। अभी जिसमें हम लोग जा रहे हैं ये सिकंदरी घाटी जाती है, इसमें हम लोग जा रहे हैं। मैं भी पहली बार ही इधर से जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं आगे क्या मिलता है। हाईवे बन रहा है ये वाला, नया रोड बन रहा है। ये वाला ब्रिज का आगे दिखाएंगे रोड, ये वाला ब्रिज आ गया ना आज। तू झरना के पास कैसे जाते हैं? अभी घाटी चढ़ ही रहे थे तब हम लोग को एक झरना नजर आया। ठीक है चलिए उस झरना को दिखाते हैं, उससे पहले रोड को खोजते हैं किधर से जाते हैं उस झरना। ये वाला जाता है, चल वहीं पर चल। फिर घाटी के बीच से ही एक रास्ता बाएं की ओर जाता है जो झरना के पास ले जाता है, वही रास्ता में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन बंद है।
वहाँ जाने के बाद पता चला ये तो नेचुरल नहीं है, ये तो स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना सिकिदरी का बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल झरना है, फिर भी देखने में बहुत सुंदर है। ऐसे किनारे किनारे आना है, मजा आ गया ना। आज मौसम भी अच्छा था, सोचे कि चलो कहीं वीडियो वीडियो बनाने के लिए जाएंगे, सोच रहे थे कहाँ जाएंगे। हम लोग ऐसे ही निकल चुके थे घर से, चलो जहाँ भी जाते हैं सोचे घाटी के नीचे जाएंगे, वैसे चलते 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 एक डैम चले गए। डैम में भी मज़ा है ना, हाँ वो पहली बार गया था तो मज़ा आ गया, लेकिन यहाँ पर जो मज़ा है अलग ही है। तो मतलब यहाँ पर आए तो जो हम लोग का जो आज निकला हुआ घर से निकला हुआ सफल हो गया, वीडियो बनाने का जो उद्देश्य से हम लोग निकले थे कि चलो कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वीडियो बनाने मज़ा आएगा। आप लोगों को देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तुम झरना देखने में बहुत ही सुंदर। कितना हैवी सीन है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आना, एक नंबर गाइज, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, क्या मस्त एकदम नज़ारा है, मजा आ गया ना, एक नंबर। बगल में घाटी देख रहे हैं, सामने वो घाटी है सिकंदरी घाटी, और इधर में ऊपर में जो पाइप दिख रहा है वही पाइप से पानी आ रहा है, इसमें लग रहा है बिजली का पावर वावर कुछ बनता होगा, उसके बाद इधर से झरना जैसे गिरता है और फिर इधर से पता नहीं कहाँ निकल जाता नहर के द्वारा, कहीं चल जाता डैम में चला जाता, और इधर में भी देख लीजिए ये इससे भी नीचे चला जाता है और ये छोटा सा नदी बन जाता है, और इधर का नज़ारा लेकिन कुछ भी बोलो बहुत सुंदर है, मजा आ गया। ऐसा भी हो के एक लाइक जरूर से कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए भैया, मजा आ गया भैया। सही में बड़ी मस्त था और मौसम भी बहुत अच्छा था। हाँ दोस्तों, फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं, अब चलिए सिकंदरी घाटी का नज़ारा कुछ दिखाते हैं, यहाँ तो बहुत ही सुंदर लगा। आप लोगों को कैसा लगा जरूर से लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा था, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए नीचे में वहाँ पर धान का खेती भी किया गया है, यहाँ पर पानी का सुविधा है इसलिए लग रहा है यहाँ पर सालों भर धान खेती किया जाता है, अच्छा लग रहा है हरा भरा पूरा।
नीचे में घाटी है, गाड़ी जा रहा है, गाड़ी जा रहा क्या आ रहा, गाड़ी आ रहा भी जा रहा भी। अरे वो वाला रास्ता कहाँ जाता, वो तो वो कच्चा रास्ता है। हाँ वही गए थे ना हम, देख लीजिए वहां पर दिख रहा छोटे थे, वही हम लोग गए थे। हाँ वही से तो आ रहे। अगर आप सोटे डैम का वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके जरूर से देखिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग पहली बार इस रूट में आए इसलिए हम लोग को तो बहुत मज़ा, आप लोग को अगर मज़ा आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, सब कोई को बाय बाय।